हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशाल एक्सपेरिमेंट 2 में आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारे पास बोर्ड है जो कि एक 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन कैसे करें, यानी वायरिंग कैसे करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इस बोर्ड को उल्टा कर देंगे, और उससे पहले हमको 2 होल्डर ले लेना है, जो कि होल्डर हमारा इन दोनों सॉकेट से कनेक्ट रहेगा स्विच से। तो चलिए पहले इस बोर्ड को कुछ उल्टा कर लेते हैं इस साइड तरफ। ये देखिए हमारा 3 स्विच है, 1 है 2 पिन सॉकेट। तो इसकी वायरिंग करने के लिए पहले सबसे पहले हम लाइन का काम करेंगे। लाइन स्विच के नीचे वाले पॉइंट में रहेगी, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एक वायर ले लेंगे, उसका कवर कुछ इस तरह से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। वायर रिमूव करके स्विच के नीचे 3 वाले पॉइंट में कुछ इस तरह से आपको भी ऐड कर देना है, और टेस्टर की मदद से इसको टाइट करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो चुका है टाइट हमारा। तो अभी देखिए हमारा हो चुका है, तो इसको हम वायर को हटा देंगे यहाँ से। मैंने पहले नहीं काटा था, तो अभी काट देते हैं, ठीक है। तो ये हट चुका हमारा अभी। तो अभी करते हैं स्विच से सॉकेट का कनेक्शन। तो गाइस, अभी देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देना है आपको, और उसके बाद हमारा सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट है एक उसमें कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलिए, इतना कनेक्शन हो चुका है। अभी न्यूट्रल का वायर इसमें डालेंगे, तो अभी नहीं डालना है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो अभी इसको हम साइड में कर देते हैं थोड़ा, मतलब इसको पास ला लेते हैं। तो गाइस, हमको एक और वायर चाहिए ऐसे ही कुछ। तो एक वायर हम डालेंगे होल्डर के एक पॉइंट में, कुछ इस तरह से डालकर कस देंगे। फिर उसके बाद एक और बड़ा वायर ले लेना है कुछ इस तरह से, और इस वायर में इसको एक दूसरे से में इसको मूव करके कुछ इस वाले पॉइंट में ऐड कर देंगे इस तरह, ठीक है। होल्डर के एक और पॉइंट में कुछ इस तरह से हम ऐड कर देंगे, फिर इसको भी इस तरह से उल्टा कर देंगे। तो हमें 2 और वायर ले लेने हैं कुछ इस तरह से, और दोनों वायर को एक होल्डर के इस वाले पॉइंट में ऐड कर देना है, और एक होल्डर के इस वाले पॉइंट में, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे, और दूसरे वाले पॉइंट में भी कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे। तो गाइस, अभी इनको फिर से पीछे करके बोर्ड को आगे कर लेते हैं, इनको सीधा कर देते हैं कुछ इस तरह से, और बोर्ड को भी कुछ अपना इस तरह से फोकस करके इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले होल्डर का जो हमारा ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है, उसको हम ले कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल वाले वायर को कहाँ ऐड करना है, न्यूट्रल वायर को सॉकेट का जो एक पिन बचा है हमारा, उस पर ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। तो गाइस, न्यूट्रल का काम तो हो चुका है। अभी ये 2 वायर है, तो 2 वायर स्विच, एक वायर स्विच के इस वाले पॉइंट पर लगा देंगे, और दूसरा वायर स्विच के इस वाले पॉइंट में कुछ इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस, वायरिंग हो चुका है कंप्लीट। अभी हम देंगे इनपुट, तो इनपुट दे देना है एक अपना न्यूट्रल जो है, जहाँ न्यूट्रल है वहाँ पर एक दे देंगे हम कुछ इस तरह से। न्यूट्रल में एक कनेक्शन दे देंगे यहाँ, और दूसरा कनेक्शन आएगा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर, जो 3 वायर कनेक्ट है उसमें एक हमारा रहेगा कुछ इस तरह से वायर। तो हमारा ये वायरिंग कम्प्लीट हो चुका है। चलिए अभी इसको सीधा कर देते हैं, और आपको चालू करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा ये चालू हो चुका है, सीधा हो चुका है, तो इसमें बल्ब लगाएंगे। तो गाइस, अभी देखिए हम इसमें इनपुट दे दिए हैं, अभी चलिए चालू करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहले सॉकेट का ऑन करते हैं। तो ये देखिए सॉकेट का ऑन हो रहा है, अभी एक और जलाते हैं। अरे चलो एक। तो गाइस, ये हमारा बल्ब जो है कि ये धोखा दे दिया साला। तो ये देखिए थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, पर ये देखिए ये भी हमारा ऑन हो रहा है अच्छे से। तो हम इसमें अभी लगा देते हैं बल्ब, आपको चालू करके दिखा देते हैं। देखिए हमारे सॉकेट का तो सही है ये। तो ये देखिए, देखिए ये भी ऑन हो रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस, ये इस तरह होती है एक स्विच, अरे सॉरी यार, एक 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच की फुल वायरिंग। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।